नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं MBA फाइनेंस हूँ और फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस का। फरवरी के आखिर 2023 में लॉन्च हुआ रीएश्योर 2.0 प्रोडक्ट के बारे में। इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स आए, इंडस्ट्री में पहली बार ऐसे फीचर्स आए जो किसी और प्लान में है ही नहीं। तो ऐसे क्या क्या फीचर्स है, उस सारे डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ये प्लान में तीन ऐसे यूनिक फीचर हैं जो इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले फीचर का नाम है बूस्टर प्लस। ये बूस्टर प्लस किस तरीके से वर्क करता है कि यहाँ पे सपोज आपने जो बीमा कवर लिया है, अगर आप पूरे साल में कोई क्लेम नहीं करें तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है और ये 10 गुना तक कैरी फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख का बीमा परचेस किया और आपने कोई क्लेम किया ही नहीं। तो इसमें दो वेरिएंट दिए गए हैं। पहला वेरिएंट का नाम है प्लेटिनम प्लस, दूसरे का वेरिएंट का नाम है टाइटेनियम प्लस। प्लेटिनम प्लस में आपको 5 गुना तक इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा, टाइटेनियम प्लस में आपका 10 गुना तक इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, आपने अगले 5 साल तक कोई क्लेम नहीं किया, तो 50 लाख आपका बीमा बढ़ जाएगा यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 10 लाख आपका नॉर्मल है, अर्थात 6 साल के बाद आप 60 लाख का एक साथ में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इसी तरीके से अगर आपने टाइटेनियम प्लस पॉलिसी लिया हुआ है तो आपका 10 गुना तक यानी कि 1 करोड़ तक इंश्योरेंस बढ़ जाएगा और 10 लाख आपका नॉर्मल कवर है, तो एक साथ में आप 1 करोड़ 10 लाख का इंश्योरेंस का अगर एक साथ क्लेम भी आए तो भी आप ले सकते हैं। तो ये बूस्टर प्लस एक यूनिक फीचर है जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो आपका इंश्योरेंस कवर को कैरी फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी देता है। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है, पहले साल उनको बूस्टर का कवर नहीं मिल रहा, 0 लिखा हुआ, तो पहले साल का आपका पहले दिन से इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है। आपने 5 लाख रुपए का क्लेम कर दिया, तो अब आपके पास में अनयूटिलाइज या यूटिलाइज 5 लाख का कर दिया, 5 लाख का अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगले साल दूसरे साल पे चलते हैं जहां पे आपका बेस इंश्योरेंस कवर 10 लाख है और 5 लाख आपका जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, तो टोटल आप 15 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। इस साल मान लो आपने दूसरे साल कोई क्लेम नहीं किया, तो तीसरे साल वापस से आपको 10 लाख मिल रहा है, 15 साल आपके पास 15 लाख का ऑलरेडी आपके पास था, तो आप तीसरे साल पे 25 लाख का एक साथ क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप टोटल पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि बूस्टर प्लस का किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे ये वर्क करता है। दूसरा यूनिक फीचर लेकर के जो आए हैं जिसका नाम है रीएश्योर फॉरएवर। रीएश्योर फॉरएवर को कुछ लोग इसको रीफिल बोलते हैं, कुछ रीस्टोर बोलते हैं, कुछ रिचार्ज बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। इस प्रोडक्ट में इसको रीएश्योर फॉरएवर बोला गया है। अब रीएश्योर या रीस्टोर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 10 लाख की पॉलिसी परचेस करी है, एक नॉर्मल पॉलिसी हुआ जहां पे आपको रीस्टोर का बेनिफिट मिलता है। मान लो आपने 10 लाख पूरा यूज कर लिया तो आपको एक बार फिर से रीस्टोर बेनिफिट मिल जाता है, तो आप साल में 2 बार क्लेम कर सकते हैं, किसी किसी में अनलिमिटेड भी होता है, लेकिन वो उसी साल में होता है। मान लो आपने 2023 में पॉलिसी ली है तो आपके लिए ये जो रीस्टोर वाला है आपको 2023 एक साल में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि 12 महीने में जब तक आपने लिया हुआ है, लेकिन अगले साल इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाले फीचर में रीएश्योर फॉरएवर में क्या रहेगा कि आपने एक बार क्लेम कर लिया तो आपका जो अनलिमिटेड रीएश्योर है, रीस्टोर है, रिचार्ज जो है वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगले साल फिर से क्लेम करेंगे तभी जाकर के ये आपका एक्टिवेट होगा, ऐसा जरूरत नहीं है। एक बार आपने जब भी क्लेम किया उसके बाद में आपका अनलिमिटेड रीस्टोर वाला, अनलिमिटेड रिचार्ज वाला, अनलिमिटेड रीएश्योर वाला फीचर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा और आप अगले साल एक साथ में डबल इंश्योरेंस का अगर आपको क्लेम भी आता है तो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक वन ऑफ द यूनिक फीचर इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जहां पे एक बार क्लेम करने के बाद अनलिमिटेड रीस्टोर हमेशा के लिए एक्टिव हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अब चलते हैं प्लान के अगले यूनिक फीचर की तरफ जिसका नाम है लॉक द क्लॉक। बहुत सारे यंगस्टर से मैं मिलता हूं जो उनके पास मैं बोलता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर लो, तो वो बोलते हैं मैं तो यंग हूं, मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करूं, मैं थोड़ी ना बीमार रह सकता हूं, वैसे समय के साथ इसका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा तो मुझे नहीं खरीदना। जबकि आज के डेट में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यंगस्टर या किसी को भी हो सकती है, एक्सीडेंट किसी के भी साथ में हो सकता है, हॉस्पिटल आपको किसी को भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो अगर आप ये पॉलिसी परचेस करते हो तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम में ये पॉलिसी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आप यंग और आपको लगता है कि नहीं आने वाला, तो आपकी 25 है, 30 है, 40 है, 50 है,
आपने जब तक क्लेम नहीं करोगे तब तक आपका प्रीमियम वही रहेगा जो आपने शुरू में परचेज किया था। मान लो आपका 10 लाख का प्रीमियम 10 हजार था, 25 की उम्र में आप 45 के हो गए हो, 55 के हो गए हो, आपने क्लेम नहीं किया है, तो आपका प्रीमियम 10 हजार ही रहेगा, एज की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। फ्यूचर 2.0 की कॉस्ट क्या है, प्रीमियम क्या रहेगा, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी परचेस करते हो, मान लो आपकी एज 35 है, 10 लाख का बीमा कवर लेते हैं, जोन वन में आप आते हैं, तो इंक्लूडिंग GST आपका जो प्रीमियम रहेगा 12,945 रुपये का रहेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, 35 और 32 साल आपकी उम्र है और आप इंडिविजुअल पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, इन दैट केस आपको 23,300 रुपये का प्रीमियम आएगा। और अगर आप हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 24,070 रुपये में 3 मेंबर की इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, फैमिली डिस्काउंट है 10% का, टेन्योर डिस्काउंट है आपको 7.5% तक का, एंड अगर 15% भी डिस्काउंट मिलता है एक साथ अगर आप 3 साल की पॉलिसी परचेज करते हैं, एंड डॉक्टर डिस्काउंट भी इसमें 5% दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ECS करवाते हैं या ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, ऑटो रिन्यूअल्स हो जाता है, इन दैट केस भी आपको 2.5% का डिस्काउंट है। और अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट। स्नैपशॉट है, मैन मैन फीचर्स को वन पेजर में बताया गया है, इन सभी फीचर्स को मैं वन बाय वन आपको आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आगे की तरफ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो ऑप्शनल बेनिफिट भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। ये भी एक यूनिक फीचर है, बाकी जितनी पॉलिसीज में क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 24 घंटे के बाद ही आप क्लेम ले सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में 2 घंटे का एडमिशन टाइम रखा गया है। अगर आप 2 घंटे भी एडमिट होते हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो इसके लिए 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी एक यूनिक फीचर्स लेकर के आए कि 2 घंटे के एडमिशन पर भी आपको क्लेम मिल जाता है। दूसरा, इस पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है, एंड ऑल कैटेगरी कवर किया जाता है, और सम एश्योर्ड जितना आपका बीमा कवर है उतना अमाउंट तक आपको इन पेशेंट केयर भी मिलता है। इन पेशेंट केयर का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होकर के जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसको इन पेशेंट बोला जाता है। दूसरा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन है 60 का, पोस्ट आपको 180 डेज, यानी कि 2 महीने और 6 महीने, एडमिट होने के पहले के 2 महीने और एडमिट होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद के 6 महीने तक के जो भी खर्चे होंगे वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, एंड टोटल आपका जो बीमा कवर है वहाँ तक आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा होम केयर या घर पे अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा यूनिक फीचर कह सकते हैं, ये थोड़ा सा बहुत रेयर यूज होता है, कोविड के टाइम में ये यूज हुआ है। ये उस केस में मिलता है जब पूरी सिटी में हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो, या पेशेंट की इतनी हालत ख़राब हो कि उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव करना मुश्किल होता हो, इन दैट केस अगर आप घर पे भी ट्रीटमेंट करवाते हो तो इसमें कवर मिलता है। बात करते हैं एनुअल चेकअप की, यहाँ पे आपको पहले दिन से हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी मिलता है, और ये आपके लिए 500 रुपये पर लाख के इंश्योरेंस पे मिलता है। तो अब अगर आप 10 लाख का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं या कितना ले रहे हैं, उसके हर लाख पे आपको 500 रुपये तक आप टेस्ट करवा सकते हैं। मैक्सिमम आप फैमिली फ्लोटर में 10,000 रुपये तक पर पॉलिसी करवा सकते हो, और इंडिविजुअल के लिए 5,000 तक आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं साल में। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंस भी इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे जितने का आपका इंश्योरेंस कवर है। अगर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है तो 10 लाख का इंश्योरेंस कवर तक आप ऑर्गन डोनर एक्सपेंस भी इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। एमरजेंसी एम्बुलेंस इस पॉलिसी में पूरा सम एश्योर तक कवर किया जाएगा, पुराने रीअश्योर में सिर्फ 2,000 रुपये तक कवर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका जितना इंश्योरेंस कवर है वहाँ तक कवर किया जाएगा। और एयर एम्बुलेंस आपके लिए 2.5 लाख रुपये तक का कवरेज होगा, कि अगर एयर एम्बुलेंस से भी अगर आपको घर से या कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ जाए तो वहाँ पर भी 2.5 लाख रुपये तक का जो खर्च आएगा वो इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपका जितना बीमा कवर है वहाँ तक कवर किया जाएगा। रोबोटिक सर्जरी में थोड़ी सी लिमिट है, बाकी सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं वो पूरे समय से तक कवर किए जाएंगे। लिव हेल्दी, अगर आप अच्छा हेल्दी रहते हैं, अगर आप हर रोज चलते हैं, अपना स्टेप काउंट करते हैं, तो निवा बुपा का जो एप्लीकेशन है वो आप यूटिलाइज करिए। और अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा, और फैमिली फ्लोटर में अगर आप पॉलिसी लेते हो और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो तो वहाँ 15% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ जिसका नाम है शेयर अकोमोडेशन। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और कमरा शेयर करते हो किसी और के साथ में तो आपको 800 रुपये प्रतिदिन मैक्सिमम 4,800 रुपये तक का यहाँ पे बेनिफिट होता है। और अगर आप 15 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर हैं और कमरा शेयर करते हो तो आप 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 6,000 रुपये तक का आप कैश बेनिफिट ले सकते हैं शेयर अकोमोडेशन के थ्रू। इसके अलावा इस पॉलिसी में आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं साल में एक बार और अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छे फीचर से अच्छे बेनिफिट दिए हैं। ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो आपके लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहेगा जिसमें आप हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 5 लाख तक का अगर बीमा कवर है तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आपका 10 लाख से 15 लाख तक का बीमा कवर है तो आप 2,000 रुपये प्रतिदिन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और अगर 20 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर है तो आप 4,000 रुपये पर डे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 30 दिन एक पॉलिसी साल में ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 48 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा आप पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपके बेसिक सम एश्योर का 5 गुना तक आप ले सकते हैं कि सपोज आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है तो 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी इस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। मैक्सिमम 1 करोड़ तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं। और ये एक्सीडेंटल कवर लेने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होनी ज़रूरी है। इसके अलावा कंपनी एक और सेफ गार्ड प्लस करके राइडर लेकर के आई है। इस राइडर में क्या होता है कि आपको नॉन पेबल आइटम्स कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं ना वो भी कवर होंगे। उसमें सारे एनेक्सर 1, 2, 3, 4 चारों होंगे। नॉर्मल सेफ गार्ड में क्या होता है ओनली एनेक्सर 1 ही कवर होता है। जिस जो उसमें लिस्टेड आइटम है वही इस कंज्यूमेबल में मिलती हैं, 2, 3 और 4 की नहीं मिलती। लेकिन ये सेफ गार्ड प्लस जो लेकर के आए उसमें अनेक्सर 1, 2, 3, 4 में जितने भी आइटम मेंशन करेंगे मैं आगे बताऊंगा हर आइटम का नाम, तो वो सारे के सारे इसमें कवर मिलेंगे कंज्यूमेबल के तहत। सेफगार्ड प्लस में आपको 1 लाख रुपए तक अगर आप क्लेम करते हो तो आपका जो बूस्टर प्लस है ना वो इम्पैक्ट नहीं होता है। यानी कि एक प्रकार का नो क्लेम बोनस जो है ना वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा आपको इन्फ्लेशन रेट जो भारत सरकार डिक्लेयर करती है साल उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता है इसमें। दूसरा जो पुराना रीइश्यू आपके लिए सेफगार्ड बेनिफिट है उसमें क्या रहता है वो अनएक्सर 1 ही कवर करता है। 50,000 तक जो आप क्लेम करते हो उसमें आपका जो बूस्टर बेनिफिट है उस पर इम्पैक्ट नहीं आता और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता है। बात करें पॉलिसी में वेटिंग पीरियड की तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज होता है जो हर एक पॉलिसीज में होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड है और स्पेसिफिक इलनेस के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड अर्थात 2 साल का वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी में क्या क्या कवर नहीं होती जो मुख्यतः ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज में कवर नहीं होती है, बाकी जो पॉलिसीज होती है लाइक प्लास्टिक सर्जरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन कुछ चल रहा है, आपने कुछ कानून तोड़ दिया है, हजारडस एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा दी, ओबेसिटी वेट का ऑपरेशन अगर आप करवा रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने मेंशन है जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। बात करते हैं डिस्काउंट्स की जो सबको पसंद होता है। तो अगर आप 2 साल की एक साथ पॉलिसी लेते हो तो 7.5% का डिस्काउंट है। अगर आप 3 साल की एक साथ में पॉलिसी लेते हो तो 15% का डिस्काउंट है। अगर आप मल्टी मेंबर पॉलिसीज परचेज करते हो 2 या 2 से अधिक लेकिन मल्टी इंडिविजुअल है तो 10% का डिस्काउंट है। अगर आप ECS रिन्यूअल्स करवाते हैं ऑटो डेबिट करवाते हैं तो 2.5% का डिस्काउंट है और 5% का डिस्काउंट आपको डॉक्टर डिस्काउंट के तौर पे भी मिलता है इस पॉलिसी में। बात करें जोन वाइज की तो जोन वाइज में आपके जोन 1 में दिल्ली NCR, मुंबई, गुजरात एंड कोलकाता आएंगे। जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया आएगा। इस पॉलिसी को लेने की एंट्री 91 डेज के बच्चे से लेकर के 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं, मल्टी इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के तौर पे भी परचेज कर सकते हैं। प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल 6 मेंबर इसमें पॉलिसी ले सकते हैं, 4 एडल्ट 5 चाइल्ड मैक्सिमम इस तरीके से बताया गया है। फैमिली कॉम्बिनेशन किस तरीके से वो भी आप देख सकते हैं एंड फैमिली फ्लोटर का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन कौन ले सकता है, सेल्फ, स्पाउस, फादर, मदर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सन, डॉटर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ये मेंबर ये पॉलिसी ले सकता है। अब आपके लिए जो हेल्थ चेकअप है उसमें क्या क्या, जो फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा उसमें आप क्या क्या चेक करवा सकते हैं। आप CBC करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, यूरिन रूटीन चेकअप करवा सकते हैं, ESR करवा सकते हैं, सीरम विटामिन डी का करवा सकते हैं, SBA1C करवा सकते हैं, एक्सरे टेस्ट का करवा सकते हैं,
और भी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है, वो सारे ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कहाँ तक? अगर आपने फ्लॉटर पॉलिसी लिए तो 10,000 तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो कंज्यूमेबल था सेफगार्ड प्लस वाला राइडर, उसमें क्या रहता है कि आप अनेक्सर वन की जो लिस्ट है आप देखिए उसमें क्या क्या कवर होता है। बेबी फूड है, ठीक है, आप ईमेल इंटरनेट चार्जेस भी इसमें कवर हो जाते हैं, मिनरल वाटर इसमें कवर हो जाता है, ग्लव्स है, मास्क, पीपीई किट्स वगैरह ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। या पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं 68 आइटम्स की। लेकिन सेफगार्ड प्लस सेफगार्ड जो ये वन अभी जो आया है लाख रुपए तक वाला, इसमें आपको इस चारों कवर मिलेंगे, 2 भी मिलेगा 3 भी मिलेगा। इसमें आपको क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनेक्सर 2 में देखेंगे तो आपको हैंड वॉश करने के लिए भी मिलेगा, फेस मास्क मिलेगा, आपको गाउन मिलेगा, स्लीपर मिलेगा, ठीक है, टूथब्रश मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें ना ये सब इसमें कवर आ जाती है। एनएक्सर 3 में क्या क्या चीज़ें, आई पैड है आपके लिए, हेयर रिमूवल क्रीम है, आप आई किट हैं, सर्जिकल ड्रिल हैं, ये कॉटन है, ये सारी चीज़ें भी अगर यहाँ पे आपके बीमारी में खर्च होती है तो ये सारी चीज़ों का भी क्लेम आप कर सकते हैं, आपको क्लेम मिलेगा। और एनएक्सर 4 में भी आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर होगी। ओनली सेफगार्ड में आपको लिए क्या कवर होगा, अनेक्सर 1। सेफगार्ड प्लस में क्या कवर होगा, ये चारों के चारों। तो फाइनली अगर मैं बताऊं कि ये जो रीएश्योर 2.0 और रीएश्योर दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो है कि यहाँ पे एज बढ़ने के साथ आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं, जबकि रीएश्योर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा बूस्टर प्लस है, वहां पे आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने की फैसिलिटीज मिलती है जो कि रीएश्योर में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लेम नहीं किया या जो अनयूटिलाइज आपका सम एश्योर रह गया वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, जबकि रीएश्योर में ऐसा नहीं होता। तीसरा रिफिल कह दो या रीस्टोर कह दो, वो हर साल के लिए होता है कि जैसे आपका क्लेम आएगा फिर वो एक्टिव होगा, उसके बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बार आपका क्लेम आ गया उसके बाद में ये ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन जिसे कहते हैं वो हमेशा के लिए फॉर एवर आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। एक और बेनिफिट है कि नॉर्मल रीएश्योर प्लान में आपको बेनिफिट लेने के लिए 24 घंटे एडमिट होना पड़ता है, यहाँ पे 2 घंटे एडमिट होंगे तो भी चलेगा। एक और बेनिफिट की बात करें तो वहाँ पे रोड एम्बुलेंस का कवर 2,000 तक का है, यहाँ पर आपका रोड एम्बुलेंस का कवर आपके सम एश्योर तक रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है इस प्लान और उस प्लान में। प्लस एक सेफगार्ड प्लस का भी है, सेफगार्ड प्लस में 1,00,000 रुपए तक आप क्लेम आता है तो आपका बूस्टर प्लस है उस पर इम्पैक्ट नहीं आता है। नॉर्मल आपके रीएश्योर में 50,000 तक का वो बेनिफिट है, एंड वहाँ पे एनएक्सर 1 तक के ही कंज्यूमेबल कवर होता है। इसमें सारे एनएक्सर 1, 2, 3, 4 के भी सारे कंज्यूमेबल कवर होते हैं। तो ये मेजर इसमें डिफरेंस है रीएश्योर एंड रीएश्योर 2.0 में। तो अगर मैं फाइनल इसको समराइज करूँ तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्लान है, फीचर रिच प्रोडक्ट है। तो ऐसे सभी कस्टमर जो देख रहे हैं अच्छा फीचर्स वाला पॉलिसी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि ये उम्र के साथ आपका इंश्योरेंस नहीं बढ़ेगा। अगर आप यंगस्टर हो एक बार जरूर पॉलिसी परचेज कर लीजिए, आपकी उम्र के साथ ये प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है। और अगर आपने पॉलिसी ले ली है तो समय के साथ ये बढ़ता जाता है, 10,00,000 के लिए तो 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख तक कवर चला जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इनकम टैक्स की धारा 10 आई थिंक 80D में, इनकम टैक्स की धारा 80D में इसमें आपको मेडिकल का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जाएं, YouTube के सर्च बटन में आप लिखे अनिल राजपूत FFS फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे मेरा ये पिक्चर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करके मेरे बाकी सारे वीडियोज हैं वो भी देख सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर नाउ। थैंक यू।